आनंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों भास्कर किचन गार्डन में। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ सुंदर सुंदर छोटी छोटी व्हाइट्स कलर्स के और कुछ बैगनी कलर्स लिए हुए ये जो पुष्प हैं, ये मूली के पुष्प है दोस्तों। बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखने में भी लग रहा है। तो गार्डन से मैंने मूली नहीं निकाला था, वो उसी मूली का ये पुष्प है। मूली के जो यहाँ पे पुष्प खिले हुए हैं दोस्तों, वो दो कलर्स के हैं, एक हल्की बैगनी है और एक वाइट्स कलर्स की। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ और मूली भी मैं कुछ आज गार्डन से निकालूंगा। तो यहाँ पे इसी पुष्प से मैं सीड्स तैयार करूँगा। तो आइए दोस्तों, ये जो पुष्प आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाइट्स कलर्स की है और पुष्प पे मधुमक्खी यहाँ पे बैठी हुई है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे देख रहे हैं मधुमक्खी रसपान कर रही है पुष्पों में से। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इसी तरह की अक्सर मधुमक्खियाँ आती रहती हैं मेरे गार्डन में, तो देखने में भी बहुत ही आकर्षक लगता है, बशर्ते कि आप इसे छेड़े नहीं। और जो मैं दूसरा कलर्स आपको बताया था कि हल्की यहाँ पे बैगनी कलर्स की, वो भी मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, तो ये भी देखने में सुंदर लग रहा है दोस्तों। मूली के पुष्प का भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। अगर किडनी में स्टोन हो तो आप पुष्पों को तोड़ लें और तोड़ने के बाद सुबह आप काढ़ा बनाकर खाली पेट लेते हैं तो किडनी के स्टोन निकल जाते हैं दोस्तों। और यही पुष्प जब यहाँ पे झर जाया करती हैं तो इसी में से यहाँ पे सीड्स तैयार होते हैं, आप देख रहे होंगे। कैसा लगा दोस्तों मूली के ये छोटी छोटी पुष्प देखकर? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कैसा वीडियो लगा, ताकि आप सबों के लिए इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।